नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अरुण सक्सेना। कौन बनेगा सीएम? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद अब सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि यहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बड़े नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल सहित कई बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेगा जो आला कमान को अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में और इसी मुद्दे पे ज्यादा जानकारी के लिए हम स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। हमारे साथ सौरभ नाटी शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस जबलपुर से बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बैठे हुए हैं संजीव वैद जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सीधे चलते हैं सौरभ शर्मा जी, चुनाव हो गए हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हालांकि बड़ा कठिन है, अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, एक तरह से सूपड़ा साफ किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा को तय करना है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल। लेकिन आप चुनाव के पहले अगर जाएं, जो बने हुए मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका जो 18.5 साल का नेतृत्व था उसको अस्वीकारा था। माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की जो भी जनसभाएं होती थी उसमें कहीं भी शिवराज सिंह जी की बातें नहीं करी जाती थी, उनकी योजनाओं पर बात नहीं की जाती थी। वो पूरा उनका जो प्रचार व्यवस्था जो चलती थी वो ये साफ तौर पे देखने को आती थी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन की जो तैयारी है उसके लिए अमित शाह जी और मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। जिस तरीके का परिणाम आया ये सही में सबको एक सोच का विषय है। आपने देखा कि जिस तरीके से डाक मतपत्रों में कांग्रेस जीत रही है और ईवीएम में कांग्रेस हार रही है। आप पहले कोई भी चुनाव देख लें, डाक मतपत्रों का ट्रेंड और जो आम वोटरों का ट्रेंड रहता था वो अमूमन एक सा होता था। बहुत समय है अभी आगे चल के और इसमें क्या चीजें निकल के आती हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो आज आपको पैनल बैठाने का जो आपने विषय रखा है, मैं समझता हूं इनके यहाँ जो सरपटौल है दिन दो दिन में आप देखेंगे कि किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि शिवराज सिंह जी का जो नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी ने, तो भरे चुनाव में उसको अस्वीकार दिया था। जो 7 सांसद 3 केंद्रीय मंत्री लड़ाए थे वे लड़े ही इस उम्मीद के साथ थे कि हम सब मुख्यमंत्री हैं। अब उसमें से 2-4 कुछ हार गए हैं, जितने जीत गए हैं वे दिल्ली रवाना हो गए हैं। शिवराज सिंह जी का दुख जो है वो मतगणना के पहले ही अपन आप सबने देखा, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा।
तो भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि उनका कौन रहेगा मुख्यमंत्री। हमें तो विपक्ष में रह के जो योजनाएं हैं उसको देखना है कि किस इंजीनियर तरीके से सत्येंद्र डिलीवर जैन कर। जी हमारे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार के रूप में प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुना आपने सत्येंद्र जी, मित्र आपके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर फुट अव्वल होना है, अभी आगे देखते जाएं, बहुत ज्यादा स्थितियां गंभीर होंगी, सामने आएंगी। अरुण जी नमस्कार आपके दर्शकों का। देखिए जी भारतीय जनता पार्टी में अब ये बात है, अब उनको कहने दीजिए। देखिए साहब अभी बेचार सभी लोगों का उनका जो है अभी वो अवसाद के समय से गुजर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, हम लोग में नहीं, हम लोग चुनौतियों को स्वीकार करने वाले लोग हैं, चुनौतियों स्वीकार करने वाली विचारधारा है। सत्य सुन लें एक बार विजय। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सौरभ जी, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था आपको। जी, आप जी, अगर अपने समय बोलेंगे तो जी, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं आपको सत्येंद्र क्रॉस जी, करूंगा, आप मुझे क्रॉस करेंगे, बिल्कुल हमारे आम आदमी पार्टी वाले मित्र हैं वो भी क्रॉस करेंगे, चलिए आप तो वो ठीक नहीं अपना रहेगा। पक्ष रखें जी। देखिए अरुण जी, जी अब ये तो जनता को हमने जो बताया जी और तो उन्होंने जनता ने माना, कांग्रेस भी पूरे टाइम लगी रही, अपनी मेहनत करती रही, जो पुरुषार्थ जो उन्होंने करना चाहिए था उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो सिर्फ देखिए बहानेबाजी पर उतर आए हैं, जिस प्रकार से बहानाबाजी अपनी असफलताओं का ठीक रहा, अपने अपने अंदर आत्मावलोकन नहीं करना कांग्रेस की, ये दुर्गति का कारण है। और दूसरे को या कभी चुनाव आयोग पे दे देना, मुझे तो अच्छा लगा, कल हैरान हो गया मैं देख के कमलनाथ का बयान सुन करके, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा सीधा स्वीकारा कि हम हार स्वीकार करते हैं, और उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम पर वो ठीकरा फोड़ दिया। मुझे लग ही रहा था कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, उन्होंने कम से कम ये माना कि हाँ ये गलती हुई है, हम सुधारेंगे, अपना समीक्षा करेंगे। तो आप पता नहीं, लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता और दिग्विजय सिंह जी वगैरह इन सबको क्या हो गया, लेकिन जब ये भूल जाते हैं कि स्वयं ही कहते थे कि कपड़ा फाड़ो एक दूसरे के, एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई थी जी। और जिस प्रकार से आप देखिए सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहे हैं, बीजेपी में रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी आज 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य है भारतीय जनता पार्टी में जी। तो ये ऐसे नहीं हो जाता, आज दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, और केंद्र में भी दो दो बार हमारी सरकार आ चुकी है और तीसरी बार भी अब इतिहास बनने जा रहा है, हैट्रिक होगी और 400 से ज्यादा लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी। भारत की जनता फिर पुनः आशीर्वाद देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत जनता को जनार्दन मानती है, भगवान मानती है, भारत को मंदिर मानती है। और चूंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने मध्य प्रदेश को मंदिर माना और मंदिर बांध करके उसमें रहने वाली जनता है उसको भगवान माना और उसके जन कल्याण के लिए जो प्रकल्प चलाए उन प्रकल्पों को जनता ने समझा, सबने अपनी अपनी, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, समाजवादी पार्टी ने भी झोंकी और ये सब वहां दिल्ली में एक होते हैं ये भी देखा जनता ने, और राज्यों में आकर के लट्ठम लट्ठा करते हैं, एक दूसरे को बेईमान बताते हैं, धोखेबाज बताते हैं, तो आरोप लगा रहे हैं। अब ये सारी चीज की हुई है तो मैं बता दूं। जी जी हाँ बोलिए। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं कि लट्ठम लट्ठा होना है, सिर्फ फुटबॉल होना। खैर, बड़ा प्रश्न था, बड़ा जवाब आपने दिया। चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं, संजीव वेद जी, आम आदमी से। संजीव जी, क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सर पर सजेगा ताज? आप इंदौर से हैं, वहां से कुछ वीडियो भी वायरल होके आए हैं, कुछ नेम प्लेटें भी वहां पे बन चुकी हैं। जी देखिए सक्सेना जी, मैं तो यही बोलूंगा कि कौन रख रही हमें कहानी जी, कोई भी बने मुख्यमंत्री हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी, और हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और भाजपा के मित्र को मैं बधाई देता हूँ इस जीत के लिए जी, है ना भाई जी। मैं आपको दिल से सर जैन साहब बधाई देता हूँ, जनादेश को हमने स्वीकार किया है और हम निस्संदेह, आप मुख्यमंत्री की किसी को भी बनाए, हम निस्संदेह सदन के बाहर बैठ करके रचनात्मक भूमिका को, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका को अवश्य निभाएंगे जी। और इस बार हमसे क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटि रह गई है, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं जी। और अगले फिर आपके सामने फिर मैदान में फिर काल सब करके खड़े हो जाएंगे। तो कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा बने जो जनता के हितों को समझता हो, प्रदेश के हितों को समझता हो, निस्संदेह कोई ना कोई चुन करके एक अच्छा बेहतर व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। चलिए डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब, पूरे तीनों मित्र यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे अभी जो स्थितियां बन रही हैं? एक तरफ पूर्व के अभी तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान को, जहां पूरे चुनाव में कभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन उनकी योजनाओं
को नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे में क्या लगता है, आपका क्या आकलन है, चूंकि आप 230 विधानसभा में आपका सर्वे रहा है, तो क्या लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता के, और दोनों दलों यदि हम सर्वेक्षण करें तो दोनों दलों में सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई व्यक्ति है तो शिवराज सिंह चौहान है। जितने रैली और जितने प्रचार में उन्होंने 162 रैलियां की और पहले आंतरिक मामलों के चलते उनको प्रचार से दूर रखा। चलिए सौरभ जी, दोबारा आपके पास आ रहा हूं, हमारे मित्र जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, कि आपने सुना यहाँ एक और अभी आम आदमी ने बधाई दे दी है, आपने सत्यन जी को भी सुना, वहीं दूसरी तरफ वही प्रश्न आपकी तरफ लेके आ रहा हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ठीक है आपने कि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन रमेश मेंदोला जी का एक बयान सामने आया है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बनेंगे, उनके खुद की एक नाम पट्टिका सामने आई है जिसमें वो परिवहन मंत्री उनके नाम के आगे लिखा हुआ आ गया है, कैलाश जी के आगे मुख्यमंत्री लिखा हुआ आ गया, तो क्या स्थितियां बनेंगी, क्या सोचते हैं आप इन चीजों को? जी देखिए अरुण जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा दिन दो दिन बीतने दीजिए, सब परिस्थितियां मध्य प्रदेश के सामने आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा सत्ता के लिए लोलुप्त रहती है, सत्ता के पीछे भागने का काम करती है, फिर चाहे उसके लिए भी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी पैतरे को आजमाना पड़े, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के में रहती है। ना केवल मध्य प्रदेश, पूर्व में भी आप देखें कि किस तरीके से अनेकों राज्यों में इनने सत्ता को छीना, सत्ता को चोरी करा, सत्ता को खरीदा, सत्ता को लूटा, ये तमाम चीजें हिंदुस्तान की जो जनता है इसको देखती आ रही है। और जब सत्ता इस तरीके के हासिल हो जाती है तो उनके जो माननीय जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके सामने से ये सब चीजें पिक्चर के तौर पे गुजरती है, तो उनको सबको पता रहता है कि ये मैंडेट किस तरीके से हासिल किया गया, क्या करा गया। तो ये जो सर पटवल की बात मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल यथार्थ सच है। आपने देखा रमेश मंदोला जी ने अभी से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मंत्री घोषित हो गए, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष घोषित हो गए, ये तमाम चीजें अलग 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 अनेकों जिलों से निकल के सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस कभी भी जनहित के लिए नहीं रहता है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी ने 18.5 साल में जिस तरीके का कुशासन चलाया है मध्य प्रदेश की जनता उससे बड़ी दुखी थी। लाडली बहना, आपने 3 महीने पहले आप बहनाओं के अकाउंट पे पैसे डालना चाह रहे, 18.5 साल आपने ये क्यों नहीं किया? और चुनाव के पहले सौरभ जी रोक के आपको यहाँ पूछना चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें थी तो भी जनता ने नकार दिया, इस पे भी थोड़ा सा बोल दें आप। देखिए अरुण जी, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए, शोध का विषय है, थोड़ा चीजें सामने आने दीजिए। अभी हम लोग भी खुद इस परिणाम से, और ना केवल हम लोग, मध्य प्रदेश का जो आम मतदाता है वे भी इस बात से स्तब्ध है कि इस तरीके पर, आपने देखा होगा जहां कहीं भी अगर वेव चलती है ऐसी लहरों की तो वो दिखती है। आप भी बहुत समय से पत्रकारिता में है, आप स्वयं से बताइए कि इस परिणाम की आपको उम्मीद थी क्या? तो साफ तौर पे ये जो आया, थोड़ा समय बीतने दीजिए, समय के बाद समझ में आएगा। डॉक्टर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वही प्रश्न लेके मैं दोबारा आ रहा हूँ कि क्या लगता है सारी स्थितियों को देखते हुए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे आप अपने सर्वे के आधार पर? प्रदेश में जिस स्थिति को हम लोग देख रहे हैं जी, बहुत दायित्व में मतलब सीटें मिल चुकी हैं, और ऐसी स्थिति में चूंकि ये किसी एक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा इसमें सामने नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं किया गया था उनको, इसलिए ये जीत केवल नरेंद्र मोदी के लहर पर सवार जीत का है। ये तो इसमें स्पष्ट तौर पर यह माना जाता है कि जो निर्णय केंद्र नेतृत्व करेगा उसे सबको मानना होगा, और उसमें ये प्रयोग संभावित है कि इस बार जैसा हरियाणा में प्रयोग हुआ, जैसा गुजरात में प्रयोग हुआ, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ऐसा कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और नया चेहरा, जिन चेहरों पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, संभवतया कल जब विधायक दल की बैठक के लिए प्रस्तावित हो तो उसमें कोई नया चेहरा सामने आएगा, और ऐसा चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश को नई दिशा देगा। ये बात सच है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊपर है, और जबकि पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था क्योंकि एक रणनीति थी। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ या राजस्थान में भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया गया किसी को सीएम, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि मुख्यमंत्री जी को 165 सभाएं करवाने के लिए पार्टी ने सबसे आगे रखा।
लाख मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त केंद्रीय नेताओं ने यहाँ पर कैंप किए, मोदी जी ने भी काफी रैलियां की, लेकिन जो शिवराज सिंह जी का जो अभियान था उसको यहाँ काफी बल मिला है। छत्तीसगढ़ में चले गए, राजस्थान का तो चलिए मान लिया रिवाज है या हिमाचल का रिवाज है, लेकिन राजस्थान जो है छत्तीसगढ़ में नहीं रीगेन कर पाए, तो ऐसा कांग्रेस के साथ पूरा इतिहास रहा है पिछले 9-10 सालों का, 2014 के बाद का। और अब जो मेरे मित्र कह रहे थे जैसे व्यापम की बात उठाई, तो देखिए हमने उस पर जांच कराई है, अभी जांच चल रही है, पटवारी बिल्कुल सही बात है, गंभीर विषय है और उस पर जांच हो रही है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं की जा रही हो, लेकिन आप देखिए 2013 का चुनाव जो था व्यापम कांग्रेस ने पूरा बहुत उठाया था, पूरी पुरजोर तरीके से व्यापम उठाया और हमें 165 सीट मिली थी उस समय 2013 के चुनाव में। तो और इसके सूत्रधार कौन रहे हैं सुन लीजिए, व्यापम पे तो हमने जांच कराई, दंडित भी हुए हैं लोग उसमें साथ, इसका सूत्रधार रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी जो बंटाधार मुख्यमंत्री साबित हुए कांग्रेस के लिए, 10 साल शासन किया उस समय से भ्रष्टाचार चलता आ रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा फिर पुनः प्रश्न है अरुण जी, बस 10 सेकंड और, मेरा फिर पुनः प्रश्न है कि कृपया आपने फूल सिंह बरैया से तो बच लिए, अब आप नकुलनाथ जी के प्रश्न पे आ जाए कि नकुलनाथ जी 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण करा रहे थे तो उस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों माफी मांगेंगे मध्य प्रदेश की जनता से, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ही निर्णय कर सकती है, साथ जुड़े हुए हैं नाटी जी बताएंगे। सौरभ भाई एक यक्ष प्रश्न दाग दिया है कि जो 7 तारीख को शपथ और दुनिया भर की जो बातें हैं उसके लिए क्या नकुलनाथ और कमलनाथ जी एक्सक्यूज देंगे, ऐसा पूछना चाह रहा है मित्र आपके। नहीं ठीक है, अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और उनकी जगह कोई और को बना दिया जाता है, वे अगर उस बात पे माफी मांगते हैं तो निसंदेह नकुलनाथ जी भी मांग लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ हमारे सत्येन जी बार बार सवाल दाग रहे हैं आप पे भी, विश्लेषक जी पर भी, मेरे पर भी, वो इतने मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इतने हतोत्साहित हैं और इतने खुशी में हैं कि ये नहीं समझ रहे कि यहाँ जवाब देने आए कि सवाल पूछने आ रहे हैं। और अगर नकुलनाथ जी ने बोला था कि 7 तारीख को आइएगा तो हमारी तो सरकार नहीं बनी तो उसमें माफी मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती है। अरे मैं तो बता रहा हूँ यहाँ जिस तरीके की शुरू हो गई है, अभी उसके नजारे आप देखिए, अभी आप बोल रहे हैं पटवारी घोटाले की हमने जांच कर ली, व्यापम घोटाले में दिग्विजय सिंह जी दोषी थे, 40-40, 42-42 आपने हत्याएं करा दी, मैं लक्ष्मीकांत जी जेल में रहे वहां क्या स्थिति हुई, ये तमाम चीजें बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी है, एक एक माइंड सेट बना के रखे हैं हमारे डॉक्टर साहब कि मीठा मीठा गप खट्टा खट्टा थू, व्यापम का दोषी दिग्विजय सिंह जी को बनाए दे रहे हैं, ये जांच में निकल के आया। मेरे को तो लगता है पटवारी घोटाले की भी जो जांच होगी उसमें कहीं दिग्विजय सिंह जी ना दोषी पाए जाए, तो ये सब अरुण जी ठीक है, आज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोलने दीजिए आज सत्येन जी को, बढ़िया हर उस पे वो बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ा उनसे कुछ आज सीखना चाह रहा हूँ कि आगे चल के उनको इस बात की क्या जवाब दें। सत्येन जी देखिए आपके भाई हैं, कम से कम सीखने के उसमें हैं, आपको मतलब खुश कर दिया उन्होंने, कितना झूठ बोला जाता है वो सीखने को मिल रहा है, थोड़ा हो सकता है हम लोग इसको अपने आचरण पे लाएं। चलिए सत्येन जी देखिए अरुण जी ये है, मेरे सभी भारतीय भाई हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं हमारे सौरभ जी, तो हम तो हिंदवा सहोदरा सर्वे, माँ हिंदू पति तो भवे, मम मंत्र समानता, मम दीक्षा धर्म रक्षा, ये हमारे यहाँ कहा गया, तो हम सनातन को समान मानते हैं, कोई उसमें जातिगत भेदभाव नहीं करते कि सनातन गंदा है, जातियों बटा है, जो सीनियर खड़गे और जूनियर खड़गे करते आते हैं, है ना। लेकिन मेरे भाई हैं सौरभ जी, मैं आपको पुनः कहता हूँ कि जैसे कहा, तो अगर देखिए 165 सीट 2013 के चुनाव में इन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर जनता ने दिया हमें आशीर्वाद, ये सारे उन्होंने सब आरोप लगा लिए थे, ये सारी चीजें तो जनता ने नकार दिया था। अब रही बात देखिए, अभी ऐसा कहीं भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कोई उदाहरण दे दीजिए जिसमें नकुलनाथ और कमलनाथ की तरह सिद्ध हुआ हो, कि देखिए नकुलनाथ ने क्या कहा 7 दिसंबर, तो कांग्रेस को कमलनाथ जी को अपने पिताजी को ही उन्होंने मुंगेरी लाल बना दिया, शेख चिल्ली बना दिया, शेख चिल्ली सिद्ध कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप ने कहा कैलाश जी और महेंदुला जी, कैलाश जी और आकाश विजयवर्गीय जी का अगर आप कहते तो मैं मानता, अभी यहाँ पर कमलनाथ और नकुलनाथ की बात हो रही, और जिस प्रकार से कांग्रेस में धृतराष्ट्र की कमी नहीं है, देखिए मध्य प्रदेश में 2 धृतराष्ट्र हैं, अगर अपन जाते हैं महाभारत में जो अभी पांडव का उन्होंने बोला था भाजपा पक्के अंदर 5 पांडव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और शायद जनता ने इसीलिए हमको आशीर्वाद भी दिया है, तो आप देखो कांग्रेस के अंदर 4-4 धृतराष्ट्र हैं, वो कैसे हैं, 2 तो हैं मध्य प्रदेश में, एक कमलनाथ जी और एक दिग्विजय सिंह जी, दोनों पुत्र मोह में अपने बेटे को स्थापित करते हैं,
और परिवारवाद पूरा झलक के आया। और दो कांग्रेस में अभी दिखते हैं केंद्र में, एक खड़गे जी दिखते हैं जो सीनियर खड़गे, जूनियर खड़गे को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हैं, वहां पर विकास के काम रद्द हो चुके हैं, डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और खड़गे प्रियंक खड़गे भी बनना चाहते हैं, और वहां द्वंद्व चल रहा है, सब चीज विकास बंद हो चुका है वहां पर जी। और कह भी चुके हैं लोग कि पैसा नहीं है विकास कार्य करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी इन्होंने योजनाएं बना बोल दी, उनको ही नहीं पूरा कर पा रहे तो विकास कहां से होगा। और एक और धृतराष्ट्र की भूमिका में माननीय सोनिया गांधी जी जो प्रियंका वाड्रा को और राहुल गांधी को प्रतिस्थापित करना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। संक्षेप में जवाब ले लेते हैं अपन सौरभ जी से इन धृतराष्ट्रों के ऊपर। सौरभ जी, एक आरोप लग गया है यहाँ पे, केंद्र और राज्य दोनों जगह दो दो धृतराष्ट्र हैं, तो इस पे आपके मित्र को जल्दी से आप जवाब दे दें, चूंकि समय कम है, मैं आपसे संक्षिप्त कमेंट चाहता हूँ इस विषय पे। देखिए, धृतराष्ट्र की भूमिका में कौन है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी जो इनके केंद्र के धृतराष्ट्र हैं, जिनको महंगाई नहीं दिख रही, जिनको बेरोजगारी नहीं दिख रही, जिसको जिस तरीके से फिर अब आपका मौका आएगा डॉक्टर साहब, एक तो बीच में आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप तो जा रहे जो, जो इनके बड़े धृतराष्ट्र हैं, इसको समूचा हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरा जो इनके राज्य के धृतराष्ट्र हैं, माननीय शिवराज सिंह जी, जिनको दिखता है कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, लाखों बच्चों का इनने भविष्य अंधकार में डाल दिया, उनको दिखता है धृतराष्ट्र को कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, वह धृतराष्ट्र है। तो साफ तौर पे ये तो हमारे यहाँ के धृतराष्ट्र तो आप छोड़िए, जो आपके यहाँ के घोषित धृतराष्ट्र है, जिसको पूरा हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता उनको धृतराष्ट्र बोलती है, तो मेरे को लगता है आपने उसी संदर्भ में उसको यहाँ पर पुट करने का काम करा है। अभी आप एक्सप्लेन करते लगे थे कि विजय वर्गीय जी और आकाश वर्गीय को अगर बोले तो समझ में, अरे तो मेंदोला जी और उसमें क्या फर्क पड़ रहा है जी। अरुण जी, जी जी सुन रहा, मैं तो आपके कप्तान जी को पहले देना चाहता हूं बधाई, और उसके बाद उनको मैं बोलना चाहता हूं कि जो वादे जो आपने इस प्रदेश की जनता से करे हैं, बिना भ्रष्टाचार करे, बिना छात्रों के अधिकारों को लूटे, उसको डिलीवर करें, नहीं तो आपको एक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बड़ी संवेदनशीलता से बोला, मेरे को प्रसन्नता लगी कि वो 16 लाख जो पटवारी परीक्षार्थी हैं उनकी आप जांच करा, आपसे उम्मीद करता हूं उसकी विपक्ष जांच हो, और सबसे पहले उन 16 लाख परीक्षार्थियों ने जो फॉर्म भरे हैं, जो उसमें उनने खर्चा व्यय करा है, कम से कम आपकी सरकार इतनी संवेदनशील होनी चाहिए, जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पे घोटाला करा है, तो कम से कम उनका वो जो खर्चा हुआ है, कम से कम वह लौटाने का काम करें। डॉक्टर साहब, चूंकि समय कम है, फाइनल कमेंट्स के लिए आपके पास 5 सेकंड, चलिए 5 ले लीजिए, ले लीजिए सत्य। मेरे मित्र कह रहे थे बस बेरोजगारी और भुखमरी की जो उन्होंने बात कही, सौरभ जी ने बड़े अच्छे हैं, मुझे लगता है नहीं, थोड़े से बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं समझ लूंगा। चलिए आप अपनी बात रखें, व्यक्ति को अगर मीडिया विभाग में लाते ना, अपनी बात रख दें आप जल्दी, संक्षेप में हो जाता, अपनी बात रख दीजिए, लोगों की कांग्रेस को जरूरत है। सत्यन जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें कि इसमें अगर कांग्रेस जी, कांग्रेस को भुखमरी जरूर कांग्रेस के अंदर हो गई, हमने 5 साल के लिए भारत की जनता को राशन फ्री देने का काम कर दिया है, और कांग्रेस के अंदर बेरोजगारी हो गई, हमने तो युवाओं को और सबको रोजगार दे रहे हैं, और कांग्रेस के लोग जरूर इस चुनाव के बाद में और हर जगह बेरोजगार हो गए नेतागण, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हो गए, राजस्थान में बेरोजगार हो गए, तो कांग्रेस के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ। और हमने जो है 125 लाख युवाओं को मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए से रोजगार उन्मुख किया है, रोजगार के नए नए योजना उनको लाभ दिया है, उद्यम स्थापित करने को 1.5 लाख सरकारी नौकरी भी दी है, 10 लाख सरकारी नौकरी है, थोड़ा कुछ इसके डाटा भी तो आप दीजिए, थोड़ा पर्सनल में आपको सब डेटा है मेरे पास, थोड़ा अरुण जी अगर बोले तो मैं डेटा भी दे दूं, आप गिनिए, ज्यादा निकल आएगा, सारा डेटा है मेरे पास। सौरभ जी बात कर रही है, सौरभ जी भुखमरी कांग्रेस के अंदर हो गई है, सौरभ जी हम 4.5 जो महंगाई पे हमने कंट्रोल किया, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस का सर्वे आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पीएलएफएस होता है, सौरभ जी सत्यन जी दोनों मित्रों को रोकना चाहता हूँ, सदन जी रोकना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस जो है। चलिए सौरभ जी, किसी दिन अपन फिर इसी विषय पे बैठेंगे, बहुत बहुत समय रहेगा। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट, क्योंकि समय कम है और विषय बड़ा विस्तृत है, दोनों मित्र हालांकि विषय से इतर हुए हैं पर जरूरी भी होता है, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या
स्थितियां यहाँ निर्मित होंगी। आपने पहले भी बताया है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री हैं वो ज्यादा सफलता से ज्यादा सरलता से योजनाओं को चूंकि उन्होंने माइंड में किया हुआ है कि कैसे उसको चलाएंगे, एक बार फिर से आप संक्षेप में अपना कमेंट्स इस पे दें, इसके बाद अपन सभा छोड़ें। अरुण जी इंतजार कर लीजिए कल सुबह तक का, क्योंकि मुझे ऐसी अभी सूचनाएं मिल रही हैं कि आज रात तक ये निर्णय हो जाएगा छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश को लेकर के कि कल विधायक दल की बैठक कब रखी जाए और विधायक दल का नेता कौन होगा। पर संभावना ज्यादातर शिवराज सिंह के तरफ जा रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कारण बस इतना सही है जिन पर हम जिक्र रिपोर्ट में भी कर चुके हैं कि उनके नाम पर अभी मध्य प्रदेश में एकमात्र वैसे ऐसे नेता हैं वे जिनका विरोध नहीं हो रहा है, जनता में उनकी लोकप्रियता और लोकसभा चुनाव सन्निकट है, इसलिए कोई रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए लेकिन वो 4 महीने के बाद मिलेगा, ऐसी उम्मीदें नजर आ रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको दोबारा ताजपोशी कर दी जाएगी, ऐसा इस हमारी जो डिबेट है उसमें निकल के आया, हमारे राजनीतिक विश्लेषक का भी ऐसा मानना। और कहीं ना कहीं जो योजना है मध्य प्रदेश शासन की जो अभी लागू है उनको ज्यादा अच्छे से जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो समझ पाएंगे, उसके हिसाब से अपने दिमाग को ठीक से बैठा पाएंगे। खैर फिर किसी दिन किसी विषय को लेकर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।